फिर से मेरे चैनल में और एक बार आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एन टाइप का बूम इरेक्शन कैसे होता है। हम लोगों को बूम इरेक्शन अभी करना है। हम दो एन टाइप का बूम लोड कर लिए हैं। लोकेशन में हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग ये वाला लोकेशन 4 है, तो हम लोग 7 में करेंगे। तो 2-3 लोकेशन आगे तक हम लोगों को जाना पड़ेगा। वहाँ जाके गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा, उसके आगे हमारा बूम इरेक्शन होगा। ये हमारा ब्लॉक ले चुके हैं। यार्ड के अंदर ही 1 घंटा का ब्लॉक मिला है। हमारा इंजन है, डीजल इंजन से होता है। हमारा ये दो जो BRN है और आगे BRN माउंटेड क्रेन है 5 टन का, उससे हम लोग बूम इरेक्शन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं बूम इरेक्शन कैसे होता है। ये हमारा दोनों तरफ का जो अपराइट है वो ऑलरेडी ग्राउट हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग बूम रख के उसको बोल्टिंग करके हम लोग बूम इरेक्शन करेंगे। तो आज हमारा बूम इरेक्शन देखिए WAG3 है, हम लोगों को देता है इरेक्शन के लिए। और जल्दी जाना पड़ेगा। सहारनपुर जंक्शन के रास्ते हरिद्वार जंक्शन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म हम लोग नौखा बोल के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के एक स्टेशन में है। इसमें हमारा OEG का काम चल रहा है और OEG का काम में हम लोग आज बूम इरेक्शन कर रहे हैं। हम लोगों को 1 घंटा के ब्लॉक मिला है। कोई लाइन में अभी गाड़ी नहीं चल रहा है, सिर्फ हमारा ही गाड़ी है। तो इसमें हम लोग अभी 3 लाइन का ही ब्लॉक है, क्योंकि बूम चलाने में हर लाइन का ब्लॉक लेना पड़ता है। अभी हम लोग देखिए बूम इरेक्शन करेंगे। अभी क्रेन से बूम को ऊपर उठा जा रहा है, तो कैसे बूम इरेक्शन होता है देखिएगा। ये थोड़ा प्रोसेस है, धीरे धीरे करना पड़ता है। बूम को दोनों तरफ से PP रोप से बांध देते हैं और उसके बाद हम लोग बूम को चढ़ाते हैं। और दो साइड में जो जो मास्ट में चढ़ेगा वो लोग सेफ्टी बेल्ट पहन के चढ़ेगा और सावधानी में चढ़ेगा। दोनों तरफ ऊपर मास्ट के ऊपर होल रहता है, उसमें हम लोग बूम को फिक्स करते हैं। तो देखिए कैसे बूम इरेक्शन हो रहा है। रस्सी बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों तरफ बांधना पड़ता है, क्योंकि उसको नीचे से खींच के पैरालल करना पड़ लेता है, नहीं तो बूम इधर उधर भाग सकता है। एन टाइप का बूम है, तो ये इसमें सेंटर पीस 9 मीटर का है। दोनों साइड में NE1 NE2 है और एन टाइप का बूम है। तो आप देख लीजिए हम लोग बूम इरेक्शन चल रहा है, पूरा सेफ्टी में होता है, जैकेट हेलमेट पहन के। अभी देखिए बूम पहले एक तरफ सेट हो जाएगा, उसमें हम लोग होल्डिंग कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट तरफ करेंगे। तो मेरा चैनल देख लिया, आपको कैसा लग रहा है बोलिए, और ऐसा भी वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा। और OEG का बहुत कुछ इरेक्शन का दिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बूम इरेक्शन। बूम बनाने के लिए तो आप पहले बता चुके हैं, आज इरेक्शन बता रहे। तो देखिए कैसे हम लोग इरेक्शन करते हैं। अभी हमारा फिटर चढ़ेगा, फिटर चढ़ के उसमें बोल्ट फंसाएगा, थ्रू बोल्ट फंसा के उसमें हम लोग इरेक्शन करेंगे। देखिए चल रहा है हमारा फिटर, उसका सेफ्टी बेल्ट पहले फंसाएगा उसमें, उसके बाद थ्रू बोल्ट लगा के उसको बोल्टिंग करेगा। अभी देखिए नीचे आएगा, हाँ देखिए, और वो एंकर कर लिया खुद को, दोनों एंकर कर लिया। अभी वो सेफ हो गया। अभी वो बूम को धीरे धीरे खींच के उसमें बैठाएगा, ऊपर होल रहता है उसमें पहले थ्रू बोल्ट देके फंसा देगा, उसके बाद बोल्ट लगाएगा। देखिए लगा रहा है, ये चीज़ को आप लोग देखिए लग गया है बूम। अभी उसमें बोल्ट फंसाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा तरफ करा जाएगा, दूसरा तरफ दूसरा फिटर चलेगा। देखिए 1650 का जो बोल्ट होता है नट बोल्ट वासर से हम लोग उसको लगा देते हैं। हमारा बूम इरेक्शन चल रहा है, एन टाइप का बूम। एन टाइप का जो बूम होता है
उसका हर तरफ डायमेंशन 45 का होता है। अभी एक तरफ का देखिए बैठ गया है, अभी हम लोगों को दूसरा तरफ बैठाना है, उसके बाद जो ये जो सीलिंग है इसको रिलीज कर देना है। एक बूम इरेक्शन में हम लोगों को लगभग 7 से 8-10 मिनट तक लग सकता है, कभी कभी देर भी हो सकता है, 15 मिनट तक जा सकता है। एक तरफ लग गया है, तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? मेरा चैनल देखते रहिए, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्रेन ऑपरेटर देखिए अंदर बैठा है, वो क्रेन ऑपरेटर अंदर से करता है। तो फिर हम लोग घूम में ही चलते हैं। देखिए एक तरफ फंस गया है, अभी दूसरा तरफ देखिए और एक फिटर चलेगा और उसको दूसरा तरफ से लगाएगा और भी लास्ट में हम लोग इसको, वो भी देखिए सेफ्टी बेल्ट पहन के चल रहा है, वो भी फंसा देगा। वहाँ भी ऊपर बोल्ट है, वहाँ होल्ड रहता है, देखिए होल्ड आपको दिख रहा है। देखिए थ्रू बोल्ट से फंसा दिया है, अभी इसको नीचे रख देगा, डाउन कर दिया, अभी फंस गया है। तो अभी हम लोग उसमें बोल्टिंग कर देंगे, थ्रू बोल्ट लग गया है, अभी उसमें 6-6 करके अभी बोर्ड लगा देंगे, 6-6 करके बोर्ड लगा के उसको हम लोग सीलिंग को खोल के हमारा बूम इरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसा वीडियो लाएंगे। और ये जो गैप रख रहा है उसमें हम लोग एन के लगाते हैं, जो पीछे हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बूम लग चुका है, अभी जाके सीलिंग खोलना पड़ेगा, रस्सी भी खोल देगा, उसके बाद हमारा सीलिंग खोल लेगा, ठीक है। यही हमारा बूम इरेक्शन का प्रोसेस रहता है, बट इसमें सिर्फ सेफ्टी देखना पड़ता है और ड्राइवर सेफ्टी से करता है। ऐसा लग रहा है बोलिए आपको, बूम इरेक्शन दिखा दिया, बहुत सेफ्टी के दो जो बंदा ऊपर चढ़ता है उसको सेफ्टी बेल्ट से दोनों एंकरिंग होना चाहिए, सेफ्टी से करता है हमारा। अभी हमारा इरेक्शन लगभग हो चुका है, इसके बाद हम लोग इसको सीलिंग को खोल लेंगे, उधर भी बोर्ड लग चुका है। तो आज का वीडियो यही तक था, आगे मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कुछ जानना है तो बोलिए। ओके, आज तक यही था, थैंक यू, मेरा चैनल देखिए और सब्सक्राइब कीजिए।